हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृतिका रिप्रेजेंटिंग अच्छा वाला कॉलेज। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे VIT वेलोर के बारे में, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके सारे रिव्यूज मैं इसमें कवर करने वाली हूँ, उसका हॉस्टल कैसा है, उसकी फीस कितनी है, सारी चीजें। तो चलिए स्टार्ट करें। ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। 1984 में VIT वेलोर जो है एस्टेब्लिश हुआ था। 372 एकड़ का इसका आपका कैंपस है। प्राइवेट डीम टू बी यूनिवर्सिटी है ये। रैंकिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में इसकी 15 NIRF रैंकिंग है और 28 ओवरऑल कैटेगरी में रैंकिंग है इसकी। कनेक्टिविटी की बात करते हैं, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 128 किलोमीटर की दूरी पर है। कट्टेपड़ी रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। चेन्नई सेंट्रल जंक्शन से ये 142 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। तो VIT वेलोर के बारे में शायद आपको नहीं पता होगा कि इसकी फीस जो है वो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी और कैटेगरी 1-2 इस तरह से। यानी कि जितनी अच्छी आप रैंकिंग इसमें स्कोर करते हैं उतनी ही आपको फीस में रिलैक्सेशन मिलती है। तो ग्रुप ए की फीस की बात करते हैं, जिसमें ये सभी आपको जो आपको ब्रांचेस मिल जाएंगी। कैटेगरी फर्स्ट में देखें हम तो 1,76,000 फीस है। कैटेगरी 2 में 2,35,000 की फीस है। इसी तरह से कैटेगरी 3, 4, 5 में भी अलग अलग सब फीस आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी। ग्रुप बी की बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस में और ऑल स्पेशलाइजेशन में इसकी जो फीस होगी वो कैटेगरी फर्स्ट में 1,98,000 होगी। कैटेगरी 2 में 3,07,000 के करीब होगी। बाकी आपको सारी चीजें डिटेल स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी बात करते हैं हॉस्टल्स की। तो बॉयज हॉस्टल की अगर हम फीस देखेंगे तो इसमें सिंगल बेड, डबल बेड, 3 बेडेड 4 बेडेड 6 इस तरह से शेयरिंग रूम अवेलेबल है। हॉस्टल की फीस की बात करें तो AC नॉन AC दोनों में काफी डिफरेंस है। जैसे कि आप AC का देखेंगे सिंगल बेडेड में तो 1,14,748 जो है इसके चार्जेस है और नॉन AC में 74,648। गर्ल्स हॉस्टल में भी इसी तरह से चार्जेस आप देखेंगे, बॉयज हॉस्टल से थोड़े कम है। 3 बेडेड रूम में अगर हम देखेंगे AC में तो 96,748 इस तरह से आपके AC नॉन AC में डिवाइडेड है। मेस की बात करें तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, स्पेशल सभी तरह की मेस अवेलेबल हैं। उसके अमाउंट जो है वो थोड़े बहुत वैरी करते हैं। अभी टोटल 4 ईयर की फीस देखें तो कैटेगरी इसमें जो आपका हॉस्टल है उसमें 6 सीटर की अलग है, 1,15,000 इस तरह से डिवाइडेड है। तो सारी चीजें आपको डिटेल मिल जाएंगी, PDF में आप देख सकते हैं। अभी VIT EEE स्कॉलरशिप देख लेते हैं। तो आपको पता होगा कि VIT में एडमिशन लेने के लिए आपको VIT EEE एग्जाम देना होता है, तो उसकी स्कॉलरशिप देख लेते हैं। स्टेट सेंट्रल बोर्ड अगर आप टॉपर हैं तो आपको 100% ट्यूशन फी वेवर मिलता है, यानी कि स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। VIT EEE रैंक होल्डर अगर वो 1 से 50 की रैंक अगर बच्चा लेकर आता है तो 75% में उसमें आपको फी वेवर मिलता है। VIT EEE रैंक में अगर आप 51 से 100 के रैंक होल्डर हैं तो आपको 50% की आपको ट्यूशन फी में रिलैक्सेशन मिलती है। इसके अलावा VIT EEE रैंक होल्डर अगर आप 101 से 1000 में हैं तो 25% की आपको फी इसमें रिलैक्सेशन मिलती है, यानी कि स्कॉलरशिप मिलती है। अभी देख लेते हैं मोड ऑफ एडमिशन, किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया VIT EEE एग्जाम आपको इसमें आपको अपीयर होना पड़ता है। कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है इसमें, बट हाँ इसमें कैटेगरी फीस है जो कि मैंने आपको बताया। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो CSE और ऑल स्पेशलाइजेशन की अगर हम सीट देखेंगे 2500 प्लस सीट्स हैं इसमें। IT के लिए 360 प्लस सीट्स हैं, ECE में 780 प्लस सीट्स हैं और मैकेनिकल में 840 प्लस सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं हम इसकी। क्लास 12th में आपको 55% फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और अगर आपके पास में बायो है तो इसमें आपको स्कोर करना होता है और 45% आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो में करना पड़ता है अगर आपके पास में कोई कैटेगरी है, यानी कि रिजर्व कैटेगरी, जैसे कि SC और ST। इसके अलावा अगर आपके पास में आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो भी आपको 45% स्कोर करना होता है। कट ऑफ्स की बात कर लेते हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगी, कैटेगरीज जैसे कि मैंने आपको बताया 5 तरह की कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट कैटेगरी में 4 से 4.5 थाउजेंड की रैंक में आपको आना चाहिए। कैटेगरी 2 के लिए 7 से 8 थाउजेंड और कैटेगरी 3 में अगर आप फीस में एडमिशन लेंगे तो 14 से 15 थाउजेंड की रैंक आपकी आती है। तो इसी तरह से बाकी सारी कैटेगरीज आपको PDF में मिल जाएगी। CSE स्पेशलाइजेशन के लिए 7 से 25 की आपके पास में रैंक होनी चाहिए। इसी तरह से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो लोएस्ट जो इसका पैकेज गया है वो है 6.5 लाख पर एनम और जो इसका एवरेज पैकेज है, यानी कि सबसे ज्यादा जो एवरेज पैकेज जो होता है जो आपको मतलब नॉर्मली हर बच्चे को मिल ही जाता है, तो 9 लाख पर एनम का होगा और हाईएस्ट पैकेज जो इसका गया है वो 41 से 44 लाख पर एनम।
कुछ इसके फेमस जो माइक्रोसॉफ्ट हो गया जो कि प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, उड़ान, क्लाउडर, अमेजोन, वर्क इंडिया, इस तरह से काफी सारे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बेस्ट थिंग अबाउट वी आई टी वेलोर की बात करें तो बहुत ही ब्यूटीफुल इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैंपस बहुत ही सुंदर, वर्ल्ड क्लास कैंपस है इसका, डिसिप्लिन कॉलेज में आता है वीआईटी भी, और वीआईटी का लेक काफी फेमस है जो कि स्टूडेंट्स के लिए मतलब बहुत अच्छा है क्योंकि उनको एनवायरनमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कैसा है, तो गर्ल्स के लिए एक एनवायरनमेंट सेफ है यहाँ पर काफी, और फुल्ली मतलब आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है यहाँ पर कि आप अपने टीचर अपना टाइम टेबल जो है जैसे कि बिट्स में भी होता है ये आप यहाँ पर भी चूज कर सकते हैं। 9 CGPA यानी कि कोई अटेंडेंस रूल नहीं है यहाँ पर, बट हाँ आपको वहां पर क्विजेज और कैट्स वगैरह जो टर्म्स एंड जो भी मतलब है उसमें आपको अटेम्प्ट करना होता है उसको। प्लेसमेंट्स वगैरह काफी अच्छी है यहाँ की, बाकी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से देखेंगे तो उनसे बेटर प्लेसमेंट है यहाँ पर, फैकल्टीज काफी अच्छी है यहाँ की और बाकी ऑल ओवर में ये काफी अच्छा है। अभी इसके कॉन्स देख लेते हैं। वीआईटी थोड़ा सा क्राउडेड है यहाँ पर मतलब क्योंकि 2500 इतनी सारी सीट्स हैं यहाँ पर प्लस, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स का अगर आप देखेंगे तो, बट एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको एनआईटी IIIT सब नहीं मिलता है तो उसके अलावा प्राइवेट में अगर आप देख रहे हैं और आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कॉम्पिटिशन इसका थोड़ा हाई है क्योंकि टॉप 20% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है, इसलिए फी जो है उसकी थोड़ी सी ज्यादा है बाकी कॉलेजेस से देखी जाए तो, और काउंसलिंग जो प्रोसेस है उसका वो नॉन रिफंडेबल है, कोई भी आपको रिफंड नहीं होगा अमाउंट, और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी है जो कि स्टूडेंट्स को चाहिए होता है कि थोड़ा उनको इतना स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट ना मिले तो उस चीज के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट है ये कॉलेज। और सोशल लाइफ के लिए यहाँ पे जैसे कि अगर आपको बिट्स जैसी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो वहां पर आपको काफी ज्यादा मतलब आप स्टार्टअप्स भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको वो एनवायरमेंट नहीं मिलता है। अब हॉस्टल्स की बात करते हैं तो हॉस्टल्स यहाँ के काफी अच्छे हैं, 24 हॉस्टल्स हैं यहाँ पर टोटल, 18 जिसमें से कि बॉयज हॉस्टल है और 6 जो है वो गर्ल्स हॉस्टल है, सभी तरह के रूम्स अवेलेबल है, 1 सीटर 2 सीटर 3 4 6 सीटर इस तरह से। हॉस्टल की टाइमिंग देखें तो अगर आप फ्रेशर हैं यानी कि आप फर्स्ट ईयर में है तो आपको 9 बजे तक आपको एंटर कर जाना है, और अगर आप सेकेंड ईयर में आते हैं तो आप 9:30 तक थोड़ा आपको हाफ एन आवर रिलैक्सेशन मिलता है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो 10:30 में आपको लास्ट आपको होनी चाहिए वहां पर। वाईफाई जो है उसकी स्पीड जो है वो ओके है। लॉन्ड्री फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर। हॉस्टल जो है थोड़े स्ट्रिक्ट है, लेट एंट्री वगैरह के लिए फाइन वगैरह जो होता है यहाँ पर। बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी एक टाइम है, मतलब काफी टाइम के लिए काफी बाउंड्रीज आपके लिए, और हॉस्टल्स यहाँ के काफी बड़े हैं, काफी अच्छे हैं जो कि बहुत ही मतलब सेफ है जैसे कि मैंने आपको बताया लड़कियों के लिए भी, और फ्लोर और मतलब सारी चीजें काफी अच्छी है यहाँ की, और स्मोकिंग और अल्कोहल यहाँ पर मोस्टली बैन है, यहाँ पर अलाउड नहीं है कैंपस के अंदर में। डाइनिंग फैसिलिटीज देख लेते हैं। मैस इज वेरी गुड, मैस यहाँ का बहुत अच्छा है, फूड भी यहाँ का स्टूडेंट्स का रिव्यू देखेंगे आप तो काफी टेस्टी है, हाइजीनिक है, वेज नॉन वेज दोनों ही आपको मैस यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा आपको साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन फूड भी यहाँ पर मिलता है, कैंटीन्स और रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर कैंपस के अंदर ही अवेलेबल है। कैंपस फैसिलिटीज देख लेते हैं। लैब्स की तो सभी तरह के यहाँ के जो लैब्स है वो वेल इक्विप्ड है और काफी अच्छे लैब्स हैं यहाँ पर। लाइब्रेरी भी फुल्ली एक एडमिशन है यानी कि एसी फैसिलिटी आपको मिलती है लाइब्रेरी के अंदर। टाइमिंग जो है लाइब्रेरी की वो मॉर्निंग 8 to 12 AM तक है रात के। फेस्ट वगैरह देखेंगे तो फेस्ट वीआईटी वेलोर में आपको ग्रेविटास ये सब इस तरह के सारे कल्चर बेस्ट कल्चरल फेस्ट है वो आपको वीआईटी में देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स की कुछ बात करते हैं तो आउटडोर स्पोर्ट्स जो है यहाँ पर अवेलेबल है काफी सारे, जैसे कि आप देख सकते हैं बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल इस तरह से, और इंडोर स्पोर्ट्स भी अवेलेबल है जैसे कि टेबल टेनिस, स्नूकर, स्क्वाश कोर्ट्स और जिमनेशियम, ये सब सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। जिम भी यहाँ पर अवेलेबल है जो कि पेड और फ्री दोनों ही अवेलेबल है, उस पर डिपेंड करता है आपके। तो ये था वीआईटी वेलोर के बारे में कंप्लीट रिव्यू। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और काउंसलिंग से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वीआईटी के लिए अगर मैं कंक्लूजन दूं तो अगर आपके पास में बजट अच्छा है और आपको एक अच्छा कॉलेज देख रहे हैं, NIT और IIIT जैसे कॉलेज आपको नहीं मिले तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए फीस 25 अगर हम देखते हैं, अगर हम MQ अब जो कैटेगरी 5 की अगर हम सीट ले लेते हैं
तो वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आप ये सारी चीज़ें देख कर डिसाइड करें। बाकी ऑल ओवर VIT काफ़ी अच्छा कॉलेज है, तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर इंजीनियर्स। अगर आप ये वीडियो में कोई चीज़ मिस हो गई है तो PDF जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, लिंक आपको PDF मिल जाएगी, आप सारी चीज़ों से अपनी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं।